हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। गुरु नीति की यूनिक श्रृंखला में हम लेकर आए हैं आज 29/34, ठीक है, क्वेश्चंस ऑफ गैसेस स्टेट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर्स अपन आज डिस्कस करने वाले बेटा। मैं मनोज जागेट, टीम केमिस्ट्री सीएलसीसी का, मेरे साथ हैं टीसी गुप्ता सर, केमिस्ट्री से ही हैं, और हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस को। तो देखते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं अपन। बिल्कुल सर, करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ 10^-4 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि डेसीमीटर क्यूब मींस लीटर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल है, तो 10^-4 डेसीमीटर क्यूब वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए 1 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क एट 300 केल्विन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर इन द वेपर फेज व्हेन इक्विलिब्रियम इज स्टेबलाइज्ड, ठीक है। तो इनिशियली कंटेनर का वॉल्यूम दे रखा आपको 1 डेसीमीटर क्यूब, और ऐसा कहते हैं कि बच्चों कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा उसी को ही अपन क्या करेंगे, वाटर वेपर का वॉल्यूम कंसीडर कर लेंगे बेटा, ठीक है। और टेम्परेचर आपको गिवन है 300 केल्विन, ठीक है। देन नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी का आप यहां पर यूज करेंगे बेटा। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से प्रेशर आपको गिवन है, क्वेश्चन में देखें 300 केल्विन पर 3170 पास्कल दिया हुआ है, ठीक है, जिसे एटीएम में कन्वर्ट कर लेंगे आप, तो डिवाइड कर देंगे 1.013 इनटू 10^5 से, ठीक है। वेज इज सॉरी वॉल्यूम, यही मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना है वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर, यानी 1 लीटर है। इधर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, और जो आर की वैल्यू प्रेशर को मैंने एटीएम में लिया है, तो आर रखूंगा 0.02, ठीक है। और टेम्परेचर की मन है 300, टेम्परेचर को 300 केल्विन पुट कर देंगे, यहां से एन का वैल्यू फाइंड करेंगे अपन, तो यहां से अपने को कैलकुलेट करने पर एन का वैल्यू ऑब्टेन होगा 1.27 इनटू 10^-3 मोल्स, ये आपका आंसर होना चाहिए बेटा। ये इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, तो आंसर जाना चाहिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, फर्स्ट आंसर है, ठीक है। हां, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। ए एंड बी आर द वैन डेर वाल्स कांस्टेंट फॉर द गैस, क्लोरीन इज मोर इजीली लिक्विफाइड, क्वेश्चन में गिवन है कि क्लोरीन क्या है, मोर इजीली लिक्विफाइड है देन एथेन, तो इससे रिजल्ट क्या आएंगे बेटा, ऑप्शन अपने पास है, ए और बी की वैल्यू में कंपेयर करना है ज्यादा किसकी है। तो देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रहा है क्लोरीन इजीली लिक्विफाइड कब होगी, जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, इट मींस ए की वैल्यू ज्यादा है, और सिंपल सी बात है यहां पे क्या है मोलर मास ज्यादा है का, इट मींस ए की वैल्यू क्या होगी ज्यादा किसके लिए होगी, Cl2 के लिए, किसके लिए होगी बेटा, Cl2 क्लोरीन गैस के लिए। अब बात करें बेटा बी की, और बी बी किसको बताता है, साइज को या वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम देखो ज्यादा किसका होगा यहाँ पे, एथेन का वॉल्यूम क्या होगा ज्यादा होगा किससे, Cl2 से, क्लोरीन से, दैट्स व्हाई ए ज्यादा होगा क्लोरीन का और बी ज्यादा होगा एथेन का। आंसर आप कौन सा आएगा, फोर्थ आएगा, फोर्थ आएगा, क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर ए रियल गैस एट हाई प्रेशर इज, तो प्रेशर का मैग्नीट्यूड कैसा दिया सर, हाई प्रेशर है, ठीक है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हाई प्रेशर होगा तो वैन डेर वाल्स इक्वेशन में स्मॉल ए का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो की बोलेगा, अट्रैक्शन फोर्सेस का जो करेक्शन है वो जीरो, प्रेशर में करेक्शन कितना होगा, जीरो, नेगलिजिबल होगा। तो ऐसे केस में जब 1 मोल गैस के लिए आप वैन डेर वाल्स इक्वेशन अप्लाई करोगे तो पी प्लस स्मॉल ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, यहां से अगर स्मॉल ए को आप जीरो पुट कर दें तो ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, टर्म जीरो हो जाएगी, पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, पी इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, बिल्कुल सर, यहां से पी से मल्टीप्लाई कर दो सर अंदर, बिल्कुल सर, तो मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा सर पी वी माइनस पी बी इक्वल टू आर टी। अब इस पी वी को दर्शित कर दे सर, बिल्कुल पी वी इक्वल टू दी पी वी प्लस आर टी, आर टी ऐसा आपको दिखाई देगा, अब निकालना जेड आर टी से डिवाइड कर दे सबको, बिल्कुल, तो आर टी से इस कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, यहां पर भी आर टी से डिवाइड कर देंगे और यहां पर भी आर टी से डिवाइड कर देंगे, आर टी अपॉन आर टी वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, और ये पी वी अपॉन आर टी को तो जेड कहते हैं क्या, यही तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, तो जेड इक्वल टू 1 प्लस पी वी अपॉन आर टी, ऐसा आपको ऑब्टेन होगा थर्ड, आपका क्या आएगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन 1 प्लस पी वी अपॉन आर टी, क्लियर बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th देखते हैं, फोर्थ बेटा, फोर 1 मोल ऑफ ए वैन डेर वाल्स गैस, यानी आपको मोल की वैल्यू क्या है, 1 लेनी है बेटा, बी आपको क्या करना बेटा, 0, बी की वैल्यू 0 की होना है, टेम्परेचर कितना की होना है 300 केल्विन,
और आपका जो ग्राफ है बिटवीन पीवी पीवी बेटा वाई एक्सिस पे है एंड वन अपॉन वी का है बेटा एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ वैन डर वाल कॉन्स्टेंट ए यू हैव टू कैलकुलेट ए, हमें क्या करना बेटा ए की वैल्यू क्या करनी बेटा फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं, देखो वैन डर वाल इक्वेशन से सोल्व करें, यूज करते हैं वैन डर वाल इक्वेशन, अप्लाई करो पी प्लस वन मोल ले लें बेटा तो ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर तो एन तो वन हो गया तो पी प्लस ए अपॉन बी क्लियर बेटा इन टू वी माइनस एन भी आता है एन वन है तो वी माइनस बी p plus a upon b square into v minus b equal to n r t n one है क्या होगा r t का। अब यहाँ पे zero क्या है a zero या b zero, यहाँ पे b की value क्या है बेटा zero है zero है a तो calculate करना है कोई zero कर देते हैं और n में क्या करना बेटा a calculate करना है, ठीक है। तो multiply करने इसको तो क्या हो जाएगा सर p v plus a upon v equal to r t बिल्कुल। अब हमें ग्राफ देखो PV में और 1 upon V में, इट मींस आपको A upon V को राइट साइड आपने को शिफ्ट करना पड़ेगा तो क्या होगा PV equal to minus A upon V plus RT बिल्कुल। अब Y axis में क्या था उसमें PV था इट मींस दिस इज Y और 1 upon V आपका X होगा तो minus A into X plus ये कांस्टेंट हो जाएगा बिल्कुल। इट मींस जो इसकी स्लोप है जो स्लोप का जो नेगेटिव है वो क्या होगा m इक्वल टू माइनस a यानी a की वैल्यू आएगी नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्लोप, क्या होगी नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्लोप। अब इसका स्लोप देखो आप स्लोप ऑलरेडी क्या है ऑलरेडी नेगेटिव है बिल्कुल और नेगेटिव को नेगेटिव करने से क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा और स्लोप क्या होता है dy / dx। तो यहां से सिंपल देखो dy कितना है 21.6 माइनस 20.1 अपॉन ये वैल्यू कितनी है 3 - 2 dx कितना है 3 - 2 और साइन ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा कितना हो गया 21.6 कितना हो गया 1.5/1 इट मींस ए का आंसर आप क्या है 1 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है वन मोल ऑफ ए मोनो एटॉमिक रियल गैस satisfy the equation p into v minus v equal to rt where small b is a constant the relationship of interatomic potential v with respect to r and interatomic distance small r for the gas is given by to gas kaisi hai ek parmanavik hai theek hai vastavik gas hai mole kitna hai ek mole hai n equal to 1 1 hai aur samikaran follow kar raha hai p into v minus v equal to rt question ko follow kar raha hai ऐसे केस में स्मॉल a जो होगा 0 के इक्वल होगा। यहां से अगर z का वैल्यू देखा जाए तो z इक्वल टू 1 प्लस pb अपॉन rt के इक्वल ऑब्टेन होगा यानी कि z का जो वैल्यू है 1 से ज्यादा है। प्रीवियस क्वेश्चन में इसको हमने ड्राइव किया अभी बिल्कुल z इक्वल टू 1 प्लस अगर z का वैल्यू 1 से ज्यादा है सर तो ऐसे केस में रिपल्सन फोर्स ज्यादा होते हैं बिल्कुल सर प्रतिकर्षण बलों का मान आपको ज्यादा देखने को मिलेगा तो इनिशियली रिपल्सन ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है जैसे जैसे दूरी घटेगी दूरी घटेगी तो एटम्स के क्लोज आएगा कौन इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के क्लोज कौन आएगा इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन क्लोज आएगा तो क्या होगा अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या करेगा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी रिपल्सन की वजह से कांस्टेंट है इसके बाद अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा इसलिए इस तरह का आप आंसर टिक करेंगे। हां आगे चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 1120 ml of ozonized oxygen gas means इसमें O2 भी है plus ozone भी है mixture है ozone भी है और O2 mixture है बेटा बिल्कुल इसका weight है 1.76 gram ये mixture में मात्रा है। Calculate the volume of oxygen इस mixture में O2 का कितना volume है मैं क्या करना बेटा calculate करना बिल्कुल देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल इसका मेथड देखो हम क्या करेंगे इसका मोलर मास निकाल लेते हैं मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे मिक्सचर का मोलर मास कैसे निकाल लेंगे अपने पास 1120 ml का वॉल्यूम है सॉरी मास है तो क्या करेंगे
जस्ट डबल है क्या? टू टाइम्स। अब इसको टू से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 से, तो आंसर कितना आएगा आपका? 35.2 आएगा। कितना आएगा? 35.2। ये मिक्सचर का मॉलिक्यूलर बेटा है। अब ये क्या है बेटा? मोलर मास ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का मोलर मास। और मिक्सचर में क्या है? ओजोन भी है और ऑक्सीजन भी है, O2 भी है। अब निकालना किसका बेटा? O2 का वॉल्यूम, तो हम क्या मान लेंगे इसमें? O2 के मोल मान लेते हैं x, x वाले। तो ओजोन कितने होंगे बेटा? 1 - x। टोटल मोल मैंने 1 क्यों लिया? बिकॉज मोलर मास मींस मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। तो हम क्या करेंगे? दिस मास इक्वल टू दिस मास, क्या हो जाएगा वो? x मोल का मास क्या होगा इसका? 32 into x कितना हो गया? O2 का 32 कितने मोल है बेटा? x प्लस ओजोन का मोलर मास कितना होता है बेटा? 48 into 1 minus x into 1 minus x equal to 35.2। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 32x माइनस 48x कितना हो जाएगा बेटा? माइनस 16x। बिल्कुल। प्लस 48 माइनस इक्वल टू 35.2। बिल्कुल कर दो। और यहां से जब फाइनली हम सॉल्व करेंगे 42 उधर ले आओ, माइनस 60x इक्वल टू हो जाएगा 35.2 माइनस 48। और ये वैल्यू कितनी आएगी? नेगेटिव आएगी, जो कि नेगेटिव नेगेटिव आएगी। नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी? बिल्कुल 12.8। कितनी आएगी बेटा? 12.8। और यहां से एक्सपेंड करेंगे, आप फाइंड कर लीजिए यहां से x इक्वल टू द 12.8 डिवाइडेड बाय 16 कर दोगे, ठीक है? तो ये लीटर में आएगा, ये आएगा नंबर ऑफ मोल 0.8 मोल। यहां से आएगा मोल 0.8 मोल, इट मींस 1 मोल में 0.8 मोल इसके हैं। और PV इक्वल टू NRTC V प्रोपोर्शनल है, तो मोल भी कितना होगा बेटा? 80%। कितना होगा भाई? 1 में 0.8 तो परसेंटेज कितना होगा बेटा? 80%। मींस इसमें 80% क्या है बेटा? ऑक्सीजन है। अब क्या करना है हमें? इसका 80% निकाल लो, 1120 इसका 80% निकाल लो। तो क्या होगा बेटा? 80% ऑफ 1120। तो यहां से कर देंगे अपन 100 कर दो, यहां से कैलकुलेट करेंगे इसको, तो फाइनली आपको 8 के पाए जाने की जो संभावना है सबसे ज्यादा, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम का है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहां पे है इलेक्ट्रॉन के फाउंड होने की, ऐसा आपसे कह रहा है। तो ये जो साई है ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को शो करता है, साइड इन और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो अगर इसका आयाम देखें, एम्पलीट्यूड देखें, यहां पर भी इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वही इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये कोई वेव है और इस वेव का एम्पलीट्यूड यहां ज्यादा है, इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मिलेंगे। इसी तरह फिर डिक्रीज होगा, फिर उधर ज्यादा होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे किस में आप कहेंगे? ए रीजन और सी रीजन में, सी रीजन में यहां तो नेग्लिजिबल है एम्पलीट्यूड, मिडिल में जा रहा है, डी पे जीरो हो गया, डी पे जीरो हो गया बिल्कुल ही। तो ए और सी में ही आपको इलेक्ट्रॉन से मिलने की प्रोबेबिलिटी आपको दिखाई देगी। ऑप्शन 1 इज करेक्ट एंड ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्लियर बेटा? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। एट आप बोले नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द क्वांटम नंबर n इक्वल टू 5 एंड s इक्वल टू प्लस r, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपको यहां से क्या करना बेटा? कैलकुलेट, यानी संबंधित कक्षकों की संख्या संख्या पूछा हुआ है। तो देखो कक्षकों की संख्या कितनी होती है बेटा? n स्क्वायर। तो सिंपल से क्या हो गया बेटा? 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 25 करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। हेलो स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन देखेंगे। द रेडियस ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस a नॉट इन लिथियम 2+ इज, ठीक है? तो लिथियम 2+ आयन में द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या a नॉट के रूप में आपसे पूछा हुआ है, ठीक है? तो r का फॉर्मूला होता है, रेडियस का फॉर्मूला लगा देंगे यहां पर 0.529 इनटू n स्क्वायर अपॉन z। ये हाइड्रोजन के लिए रेडियस का फॉर्मूला है सर, हाइड्रोजन के लिए 0.529 इनटू n स्क्वायर अपॉन z। सिंगल ऐसे अपन रेशियो कर देंगे, सीधे रेशियो कर देंगे। तो r हाइड्रोजन अपॉन r लिथियम 2+ इज इक्वल टू क्या? n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल सर। तो n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर कर दो और z के इनवर्सली है, क्या कर दोगे? Z2 अपॉन Z1। और R जो हाइड्रोजन की रेडियस है उसको क्या लेना है? A0 लेना है। तो ऐसे केस में इसको तो लिख लेंगे A0 और R लिथियम फाइंड करना है, तो ये R Li2+ हो जाएगा। N1 का वैल्यू हाइड्रोजन की किस ऑर्बिटल की बात कर रहा है? तो फर्स्ट ऑर्बिटल की ले रहे हैं अपन, A0 बोर n इक्वल टू 1 है और Z इक्वल टू 1 है आज के लिए। बिल्कुल। और लिथियम के लिए कौन सा बोला हुआ है? सेकंड ऑर्बिटल n की वैल्यू 2 है सर, लिथियम के लिए 2 है। तो लिथियम के लिए मैंने 2
स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सर, इनटू जेड टू लिथियम का एटम नंबर कितना होगा 3 अपॉन हाइड्रोजन का कितना होगा 1। तो यहां से सॉल्व अगर करें तो ये तो 3 और ये 4 हो जाएगा, तो ऐसे केस में 4a0/3 आ रहा है, 4a0 अपॉन, तो आप बता दो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, 4a0/3 ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट, बिल्कुल n वैल्यू क्या दिया, n वैल्यू सर 4 दे रहा है, 4 दे रखा है, बिल्कुल, इट मींस डी ब्रोगली क्या लगा देंगे आप 2 pi r λ = n λ, लैम्डा निकालना आपको, क्या करना है कैलकुलेट, लैम्डा निकालना, लैम्डा क्या होगा बेटा 2 pi r / n, बिल्कुल। अब r क्या है, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, n की वैल्यू क्या है 4, तो फोर्थ में रेडियस क्या होगी 2 pi, और ए नोड क्या है यहाँ पे बोर रेडियस है, ठीक है, तो आज होता क्या होगा 0.59 n² / z, तो n स्क्वायर क्या होगा बेटा प्रोपोर्शनल, तो n का स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर इनटू ए नोड, ठीक है, अपॉन n की वैल्यू क्या है 4, अब देखो 4 का स्क्वायर है नीचे 4 है, एक 4 से 4 कैंसिल, क्या जाएगा बेटा 8 pi a नोड, ऑप्शन देखो बेटा 8 pi a नोड, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा थर्ड, ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, और टेबल में आपको क्या दे रखा है स्मॉल ए और स्मॉल बी यानी कि वैन डर वाल कांस्टेंट्स की वैल्यू दे रखे हैं, स्मॉल ए तो शो करता है अट्रैक्शन फोर्सेस को, स्मॉल बी शो करता है साइज को या वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स यानी स्मॉल ए का वैल्यू किसका है, गैस ए का, गैस ए का, तो गैस ए में जब स्मॉल ए का वैल्यू मैक्सिमम है तो आप कहेंगे अट्रैक्शन फोर्सेस सबसे ज्यादा होंगे, बिल्कुल, ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्सेस सबसे ज्यादा होंगे तो वॉल्यूम कम होगा, तो वॉल्यूम आपको कम देखने को मिलेगा, ऐसा यहां पर होना चाहिए, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए, बात करेंगे ऑप्शन देखें तो गैस सी गैस ए की तुलना में कम आयतन घिरेगी, ऐसा कह रहा है, तो गैस सी ये है, गैस ए की तुलना में कम आयतन घिरेगी, नहीं गलत बात है, ये गलत हो गया, अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसका आयतन कम होगा, बिल्कुल, ठीक है, इसका नहीं होगा, ए का वॉल्यूम सबसे कम होगा, बिल्कुल, बी का फिर सी का फिर डी का, हाँ, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया बेटा, रॉन्ग हो गया। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, गैस सी गैस ए की तुलना में कम आयतन घिरेगी, गैस सी गैस ए की तुलना में कम आयतन घिरेगी, ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि मैंने क्या बताया सबसे कम वॉल्यूम किसका है, ए ज्यादा वॉल्यूम कम, बिल्कुल गलत हो गया। अभी थर्ड देखते हैं, गैस सी गैस ए की तुलना में ज्यादा आयतन घिरेगी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है बेटा, और सी का वॉल्यूम ज्यादा होगा, यहाँ वॉल्यूम क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, फिर कह रहा है गैस बी गैस डी की तुलना में ज्यादा संपीड़न होगा, ये भी बात बिल्कुल सही है, गैस बी का संपीड़न ज्यादा होगा और इसकी तुलना में डी की तुलना में, क्योंकि बी जो गैस है इसमें अट्रैक्शन फोर्सेस इसलिए आंसर थर्ड करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट आंसर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर ऑर्बिट यानी n = 2 है, बिल्कुल, ए नोड क्या है बोर रेडियस निकालना क्या बेटा ke, बोलो फॉर्मूला क्या होगा ke = ½ m v² बिल्कुल। अब जहां बोर की बात आती है तो बोर के पास एक ही हथियार था, क्या था mvr = nh/2π, तो सेकंड बोर mvr = nh/2π, और सेकंड की रेडियस क्या होगी, अगर फर्स्ट की ए नोड है तो सेकंड क्या होगी n² यानी क्या होगी 2 का स्क्वायर 4, तो 4a नोड पर कर दे, क्लियर बेटा, बिल्कुल, तो यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो v क्या हो गया फाइनली h / 4πma₀, 4πma₀। अब वैल्यूज की बेटा यहां पुट कर देता हूं, वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो ½ m² देखेंगे बच्चों क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/2 m इनटू v का वैल्यू आप कैलकुलेट कर ही चुके हैं, स्क्वायर करें इसका, स्मॉल h अपॉन 4π स्मॉल m इनटू a नॉट, और इसका क्या करना है स्क्वायर, तो फाइनल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 m, ये हो जाएगा h² अपॉन में क्या रह जाएगा 4 का स्क्वायर 16 π² ये m² और ये a नॉट स्क्वायर,
m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है सर। फाइनली क्या रहेगा, 16 into 2 32 हो जाएगा, यानी कि 32 तो इसका आंसर हो गया h स्क्वायर अपॉन 32 pi square and m और a नॉट स्क्वायर। तो आपका इस ऑप्शन कौन सा बेटा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल आगे चलेंगे, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, देखेंगे द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। चार इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्या आपको दे रखी है बेटा, इनकी बढ़ती हुई ऊर्जाओं का क्रम पूछ रहा है, तो आपको ऊर्जा n + l से देखनी पड़ती है बेटा। n + l का मान जिसका ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। तो n की वैल्यू चेक करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट में 4 है, सेकंड में कितनी है 3 है n वैल्यू, थर्ड में कितनी है n वैल्यू 4 है और फिर थर्ड, और यहां पर भी थर्ड। अब दोनों के लिए यानी सबसे पहले इसका n + l चेक करते हैं, यहां n + l वैल्यू 4 + 2 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। फर्स्ट के लिए n + l कितना 6 है, सेकंड के लिए n + l देखो 3 + 2 5 है, ठीक है। थर्ड के लिए आ रहा है 4 + 1 5 वैल्यू 5 है, और यहां फोर्थ में भी 3 + 1 4 आ रहा है। तो सबसे ज्यादा n + l का वैल्यू आ रहा है 6 की, यानी फर्स्ट आपका मैक्सिमम। तो फर्स्ट के लिए मैक्सिमम आपको एनर्जी फाइंड होगा, इसके बाद 5 किसका है, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड दोनों का है, परंतु n वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। n चला किसका है, थर्ड का ज्यादा, तो फिर क्या होगा, ज्यादा देखने को मिलेगा आएगा सेकंड, फिर सेकंड हो जाएगा। सबसे कम, सबसे कम किसका है, 3 + 1 4 है, और n वैल्यू भी 3 है, इसलिए मिनिमम किसका होगा, फोर्थ का। फोर्थ का ऐसा ऐसा कौन सा देख लेंगे, फर्स्ट मैक्सिमम हो, फिर थर्ड आए, फिर सेकंड, थर्ड सेकंड और फोर्थ, इस तरह से बेटा क्लियर। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14। अमोनिया गैस इज लिक्विफाइड मोर इजिली, देखो पहले हम कर चुके हैं, इट मीन इसके लिए क्या होगा, ज्यादा इजिली लिक्विड, यानी ए की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा अट्रैक्शन ज्यादा देखने मिलेगा, इट मीन लिक्विफिकेशन क्या होगा, इजी होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम दिस फैक्ट, यानी कौन सा रोंग है, ठीक है, तो मेरा रोंग देखना, इट मीन देखो यहां से हम देख लेते हैं करेक्ट क्या होगा, इसमें ए की वैल्यू ज्यादा होगी, और सेकेंड गैस कौन सी है, यहाँ पे कंपेयर के लिए एन टू गैस है, तो एन टू के लिए क्या होगा बेटा, B की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि N2 की साइज क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। इट मींस ये करेक्ट है, बाकी सारे रॉन्ग है। तो देखो फर्स्ट पर होएगा, फर्स्ट क्या कह रहा है, यहां पर बच्चों ये भी कह सकते हैं अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, NH3 में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, पोलर गैस है, H बॉन्ड होने से अट्रैक्शन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड और भी ज्यादा हो जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होंगे तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सर वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है, इसलिए स्मॉल ए का वैल्यू ज्यादा ऑप्टेन होगा अनएक्सपेक्टेडली, और इजीली क्या होगी, फाइव इजीली होगा, इजी होगी बिल्कुल। तो फर्स्ट पढ़ते हैं बेटा, फर्स्ट क्या है, वैन डर वाल कांस्टेंट ए और बी ऑफ अमोनिया आर ग्रेटर देन ऑफ एन टू, देखो दोनों ज्यादा नहीं होंगे, मैंने क्या बोला, ए की वैल्यू अमोनिया की ज्यादा और बी की वैल्यू नाइट्रोजन की ज्यादा, तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। सेकंड पढ़ते हैं, वैन डर वाल कांस्टेंट ए एंड बी ऑफ अमोनिया ले, दोनों नहीं होंगे बेटा, तो सेकंड भी इनकरेक्ट है, ए की वैल्यू ज्यादा अमोनिया की, ये करेक्ट है बेटा, बिल्कुल सही है, और बी की ज्यादा एन टू की, ये सही है, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सर सही है। पढ़ो फोर देखेंगे, A of ammonia is less, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, इसका मतलब असत्य तो पूछा था, हां तो आंसर 1 2 एंड 4 हो जाएगा, आंसर होगा 1 2 एंड 4, मल्टीपल क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा हुआ, असत्य पूछा हुआ, देखो और ये क्या बेटा, मोर देन वन टाइप ऑफ करेक्ट, बिल्कुल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द करेक्ट कर्व्स इफ वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट, आर इज द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट, P potential energy of electron in Bohr's orbit and K kinetic energy of electron in Bohr orbit, ठीक है, हमें चार करवाए, कुछ भी नहीं है, बस formula आना चाहिए और सब कुछ हो जाएगा। तो पहला V over 1 upon N में देखना है बेटा, तो V का formula क्या होता है, velocity का formula Bohr orbit में 2.18 into 10^6 vision, trick है इसकी, vision Z हो जाएगा, N बिल्कुल, Z है V, तो this is Y, और x में क्या रहा है 1 upon n, इट मींस क्या होगा 1 upon n x मानेंगे, बिल्कुल भाई, तो y प्रोपोर्शनल टू x हो रहा है, इसमें क्या आएगी स्ट्रेट लाइन, और वो भी ओरिजिन से पास होगा क्या, बिल्कुल बिल्कुल पास होगा, क्योंकि इंटरसेप्ट 0 है, 0 है, इसलिए फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड जगह है रेडियस का फार्मूला क्या होता है, r इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z, z तो कांस्टेंट है, अब y x पे क्या रहा है r, दिस इज y, x पे क्या रहा है n, दिस इज x स्क्वायर, तो x की डबल पावर है, y की सिंगल इंस क्या है, पैराबोला है, बिल्कुल बिल्कुल, और पैराबोला कौन सा, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यानी y की पॉजिटिव है, किसमें, r की पावर कम है, y की पॉजिटिव जाएगा, बिल्कुल, तो y की पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर होगी बेटा, बिल्कुल, तो इस टाइप से आना चाहिए, बट देखो यहां हाफ क्यों बना हुआ है, क्योंकि इधर n की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या सेल नंबर, नेगेटिव हो नहीं सकता, नंबर ऑफ ऑर्बिट हो चुका, ये वाला पार्ट यहां पे कैंसिल हो जाता है, बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री करेक्ट क्या होगा, सेकंड इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। थर्ड देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है,
तो पोटेंशियल एनर्जी भी टोटल एनर्जी पर डिपेंड करती है, जस्ट मैग्नीट्यूड 2 ही तो हो जाएगा, बस डबल कर लो बस, बाकी तो सब कुछ वही है, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इक्वल टू द -13.6 * z^2 / n^2 होता है, बिल्कुल, तो z^2 / n^2 और यहां पे क्या है माइनस है, अपन अपॉन है ना, बस पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा सर 2 टाइम्स ही तो होगा बस, बाकी सब कुछ तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, तो -1/n^2, तो इसको तो किस पे ले रहा है, y एक्सिस पर ले रहा है, और यहां 1/n कंसीडर कर रहा है, 1/n को x मान लेंगे, बिल्कुल, पढ़ो यहां पर 1/n^2 है, हां तो 1/x स्क्वायर मींस क्या होगा, x स्क्वायर नेगेटिव में क्या आएगा, इक्वल टू x स्क्वायर जाएगा, तो इट मींस x स्क्वायर इक्वल टू -4 है भाई, डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, y की नेगेटिव डायरेक्शन, बिल्कुल, तो y के नेगेटिव में आ रहा, हां अब सेम वही को यहां वाला पार्ट क्यों चला गया, अभी n की वैल्यू नेगेटिव है, पॉसिबल नहीं है, मींस क्या होगा, स्टार्ट से आना चाहिए था, ये नहीं आएगा, n की वैल्यू इधर लिखे करेक्ट हो जाएगा, आपका करेक्ट हो गया, बिल्कुल, फोर्थ देख ले, काइनेटिक एनर्जी भी वही रहे, और इसमें n का पूछा हुआ है, तो भाई टोटल एनर्जी बस पॉजिटिव ही होता है, बस p आप क्या करना, डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, 13.6 * z^2 / n^2, तो यहां पर तो पॉजिटिव है, क्लियर, इनवर्सली ग्राफ है, बिल्कुल, और देखना किसमें, n में देखना इस बार, तो n को कंसीडर करना है, और किसमें, काइनेटिक एनर्जी के साथ, इसको y एक्सिस पर रख ले, और इसको, और n को किस पर रखेंगे, x पे, x एक्सिस पर रखेंगे, इस तरह से इनवर्सली है, कोई इनवर्सली ग्राफ क्या है, स्टेप से आता है, और n की स्क्वायर की पावर में, तो ये भी इंक्रीज हुआ, बिल्कुल सही है, तो ये भी फॉर दिस करेक्ट, करेक्ट मींस आपके आंसर क्या होगा, ऑल ग्राफ्स आर 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट, क्लियर बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इफ देयर वर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ -0 + 0 पहले तो सर कहना चाह रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं जनरली, बट अब ये जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग 1 ऑर्बिटल में कितने 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर पाएंगे, ऐसा कह रहा है, जैसे इसका प्लस हाफ हो गया, इसका जीरो हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो गया, ऐसा होगा तो कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, तो इसमें क्या देखना है बेटा अपने को, ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा कथन सही है यानी करेक्ट देखना है बेटा, तो देखो फर्स्ट पीरियड में ओनली क्या आता है 1s, तो 1s में कितने होंगे और इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 3 आएंगे, एलिमेंट कितने होने चाहिए 3 बटे क्या बोल रहा है 2, जितने एलिमेंट उतने कॉलम उतने भर होंगे, तो आपका फर्स्ट क्या हो गया इनकरेक्ट, तो 3 होना चाहिए था, सेकंड सेकंड पीरियड में क्या क्या काम किया था बेटा 2s और 2p, s में ऑर्बिटल 1 और p में 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल में 8 तो पहले से आते ही आते हैं, बिल्कुल, पर अब कितने जाएंगे 4 * 8 में कितने फिल करने बोलो 3, तो 12 आएंगे, क्या दिया हुआ है इसमें बेटा 12 ही दिया हुआ है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, थर्ड भी चेक करें, थर्ड देखो 27 ग्रुप्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि जनरली 18 ग्रुप था पहले, जनरली पहले कितना था 18 थे, और कौन सा 5 टाइम हो रहे हैं, पीरियड कौन सा है, पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं, कंप्लीट बात कर, ठीक है, तो पहले नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना था 18 थे, मींस आपके तो ऑर्बिटल 9 थे, एक में 2, बिल्कुल, 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं किसमें 9 ऑर्बिटल में, अब कितने हुए इलेक्ट्रॉन 3, तो 9 * 3 कितने हो जाएंगे बेटा 27, तो देखो दिया हुआ इसमें ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, फोर्थ क्या है, थर्ड पीरियड देखो सेकंड में और थर्ड में मामला सेम रहता है 2 8 8, तो यहां 12 है, तो यहां भी 12 क्या हुआ 3s 3p और 3s और 3p आएगा, बिल्कुल ठीक है, तो आपका करेक्ट है सेकंड थर्ड और फोर्थ करेक्ट पूछना चाहिए, आंसर्स आर 2 3 4, ठीक है क्लियर बेटा, आगे चले क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, वैन डर वाल्स कांस्टेंट फॉर ए गैस आर स्मॉल ए दे रखा है 0.36 लीटर स्क्वायर एटीएम मोल इनवर्स स्क्वायर, ठीक है, बी का वैल्यू 0.6 दे रखा है, देखो इस क्वेश्चन में अगर बी का वैल्यू 0.5 कर लें तो इंटीजर आपको 9 ऑब्टेन हो जाएगा, आंसर आपका एग्जैक्ट मैच हो जाएगा, ठीक है, बट यहां से अगर बॉयल टेम्परेचर पूछा है तो बॉयल टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है टी बॉयल इक्वल टू ए अपॉन आरबी, आरबी यहां से स्मॉल ए आपको गिवन है 0.36, आर का वैल्यू कितना 0.08 गिवन है सर दे रखा है, और बी आपने कितना दे रखा है हमें 0.6 बट हमको करना है कितना 0.5, ठीक है, तो जैसे ही आप इसको 0.5 पुट करोगे तो टी बॉयल का वैल्यू 9 केल्विन के इक्वल आपको ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर होगा, आगे चलेंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 18, टू वेसल्स हुज वॉल्यूम आर इन रेशियो 2:1, बिल्कुल, यानी कि एक का वॉल्यूम 2 ही है तो सेकंड का v है, एक कंटेनर में नाइट्रोजन है दूसरे कंटेनर में ऑक्सीजन है,
इस कंटेनर में नाइट्रोजन तो इस कंटेनर में ऑक्सीजन, इसका वॉल्यूम 1 टाइम, इसका वॉल्यूम 2 टाइम, इसका क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन का प्रेशर दे रखा है 800 mmHg, इसका प्रेशर दे रखा है 680 mmHg, ठीक है, और टोटल प्रेशर शेयर का प्रेशर क्या होगा, दोनों को मिक्स कर देगा, ठीक है, तो प्रेशर ऑफ मिक्सर क्या होगा बेटा, P1 V1 P2 V2 / V2 V1 V2 कैलकुलेट कर दे, P1 की वैल्यू कितनी है सर, P1 की वैल्यू 800 तो 800 P1 है, V1 2 है, 2 प्लस का 680 into 1 अपॉन टोटल 1 कितना आ गया यहां से 760 mmHg आपका आंसर आएगा, ओके बेटा ठीक है, ठीक है ये P मिक्स हो जाएगा, आगे चलेंगे नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल करें सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन सर, जेईई मेन में आया हुआ ये, ठीक है, इसमें क्या बेटा टू फ्लास्क है, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम क्या है, समान आयतन है, कनेक्टेड बाय ए नियर टू वॉल्यूम, इस तरह बना सकते हैं सर इनको, एक कंटेनर इस तरह है, एक कंटेनर इस तरह है, दोनों को एक कनेक्ट कर दो, नैरो ट्यूब से कनेक्ट कर देंगे, जिसके वॉल्यूम को नेगलिजिबल मान रहा है, वॉल्यूम वी है और इसका वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम है, प्रेशर पीआई है, बिल्कुल इसका भी प्रेशर है पीआई, बिल्कुल सेम प्रेशर है, टेंपरेचर स्टार्टिंग में कितना है, सेम है 27 लगा होगा, तो इसका भी टी ले लेते हैं सर, इसका भी टी नहीं, इसका प्रेशर तो 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन है सर, ठीक है, और इसका प्रेशर 127 डिग्री सेल्सियस पे ले जा रहा है, बाद में क्या इनिशियल, बिल्कुल ये इनिशियल कंडीशन थी, इनिशियल था, बट इंक्रीज करके कितना पहुंचा रहा है 127 डिग्री सेल्सियस पे इसको पहुंचा देगा, यानी कि कितना हो जाएगा 400 केल्विन हो जाएगा, बाद में गर्म करने पर हो जाएगा, ठीक है, अब देखेंगे क्या, जब इनिशियली वॉल्यूम सिमिलर है तो क्या नंबर ऑफ मोल्स भी सिमिलर हो जाएंगे, बिल्कुल इनिशियल मोल्स बिल्कुल इक्वल टू फाइनल मोल, बिल्कुल गैस तो अंदर जा रही है, एवोगैड्रो क्योडिंग नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है, क्योंकि टेंपरेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो मोल क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, बिल्कुल, इसका मतलब तो ये हुआ कि जब टोटल मोल्स आपको 0.7 दे रखे हैं तो दोनों के हाफ ऑफ मोल्स डिवाइड हो जाने चाहिए, बिल्कुल भाई, इसका भी वॉल्यूम भी है, इसका भी वॉल्यूम भी है, तो टोटल मोल्स कितना है, आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखो कितना देगा 0.7, यहां पर कितना जाने चाहिए 0.7/2, यानी कि 0.35 मोल्स होना चाहिए इनिशियली दोनों कंटेनर में, बिल्कुल इनिशियली इस कंटेनर में कितना होना चाहिए 0.35 और इसमें भी कितना होना चाहिए 0.35, प्रेशर सेम है, बिल्कुल वॉल्यूम सेम है, टी सेम है, तो पीवी का जो नाटिंग सब कुछ सेम हो गया, आर क्या ऑलरेडी कांस्टेंट, हां तो बेटा अब ध्यान दें, यहां पर इनिशियली 0.35 और यहां पर भी 0.35, बट क्या होगा जब टेंपरेचर बढ़ाओगे, इसका कंटेनर का टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो जब टेंपरेचर बढ़ेगा तो गैस किधर फ्लो करेगी, इधर फ्लो करेगी, यानी कि हाई टेंपरेचर टू लो टेंपरेचर जाएगा, तो सपोज करो माना यहां से n मोल गैस जा रही है, कितने मोल जा रही है, n मोल मान लो, इधर से जाएगी तो इधर तो पहुंचेगी तो बढ़ेगी, इधर मोल ज्यादा हो जाएंगे, इधर मोल कितने हो जाएंगे 0.35 प्लस n, यानी कि इस कंटेनर में मोल कितने होंगे 0.35 प्लस n, यहां पे मोल्स घट जाएंगे ना, तो 0.35 माइनस n, ये आपको मोल्स मिल जाएंगे, ये दोनों कंटेनर्स के अलग अलग मोल हो गए, अब सबसे पहले आप इस कंटेनर के वी की पता लगा लो, हाँ वॉल्यूम निकालो, PV = NRT से लगाइए, ठीक है, तो यहां तक क्लियर है, आगे चलो सर, PV = NRT लगाते, इसको मिटा दो, हटाओ उसको, तो वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, तो PV = NRT से प्रेशर आपको दे रखा है क्वेश्चन में, देखो 0. क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में प्रेशर दे रखा है 0.5 atm, तो 0.5 वॉल्यूम फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स आपने अभी अभी निकाला था, कितना 0.7 था टोटल मोल्स, 0.7 गिवन है, हां और r का वैल्यू 0.021 और टेंपरेचर कितना इनिशियली 300 केल्विन, यहां से आ जाएगा इनिशियली टोटल वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, ठीक है, तो इनिशियली टोटल वॉल्यूम ये करीब 17 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे आप, 17 पॉइंट समथिंग आएगा, हां तो इनिशियल वॉल्यूम आएगा, अब जैसे इनिशियल वॉल्यूम आएगा आप क्या करेंगे, वापस फर्स्ट कंटेनर के लिए PV = NRT लगा दो, P इनिशियल * वॉल्यूम = NRT फर्स्ट कंटेनर के लिए, बिल्कुल सर, ठीक है, अब एक बात सुन लेना, यहां पर जब आप इस दोनों कंटेनर को एक नैरो ट्यूब से ऐड कर दोगे तो टोटल वॉल्यूम V + V 2V हो जाएगा, 2V हो जाएगा, यानी कि अब आपको फाइनल वॉल्यूम 2V लेना पड़ेगा, जो V निकाला ना उसके जस्ट डबल करना पड़ेगा, तो प्रेशर फाइंड करना है, वॉल्यूम को 2V कर देना, मोल्स फर्स्ट कंटेनर में कितने हो गए थे 0.35 + n और r कितना हो गया था 0.0821 और टेंपरेचर फर्स्ट का कितना है 300, यहां से n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो n का वैल्यू 0.05 है, यहां से n का वैल्यू निकाला तो 0.05, तो जब इस n का वैल्यू 0.05 है तो प्रथम कंटेनर में मोल हो जाएंगे 0.35 प्लस n, यानी कि n का वैल्यू ऐड कर दें यहां पे 0.35 प्लस 0.05 हो जाएगा, आपको जाएगा 0. यानी फर्स्ट कंटेनर के मोल होंगे 0.4 और टोटल कितने थे 0.7, तो कितने बच गए, दूसरे कंटेनर में कितने बच गए 0.7 माइनस
0.4 कर देंगे, कितना 0.4 0.3 मोल्स आपको सेकंड कंटेनर में ऑब्टेन होगा। क्लियर बेटा? ठीक है, और फाइनल प्रेशर आप निकाल सकते हैं किसी भी कंटेनर के लिए। तो टोटल प्रेशर भी पूछा हुआ है ना, तो पी निकालना है, टोटल वॉल्यूम 2 पी है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। और मोल आप निकाल चुके फर्स्ट कंटेनर में 0.4, आर का वैल्यू 0.021 और टेम्परेचर कितना भैया 300 केल्विन। यहां से वी तो निकाल चुके थे पहले इनिशियली, यहां से पी आ जाएगा तो पी का मान यहां से 0.5 से आ जाएगा। ATM फाइनल प्रेशर कितना जाएगा 0.5 से, ये फाइनल प्रेशर आपको ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, ये था, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है, चाहिए भी पूछ लिया गया है। लास्ट का बात करते हैं, 20 क्वेश्चन 20। सपोज दिस इज द एनर्जी 3.1 × 10⁻¹⁸ जूल नीडेड बाय द इंटीरियर ऑफ द ह्यूमेनॉइड। बिल्कुल, टू सी एन ऑब्जेक्ट हाउ मेनी फोटोन ऑफ लैम्डा गिवन, किसमें गिवन है, नैनोमीटर में। 400 नंबर ऑफ फोटोन एनर्जी मींस प्लैंक आपको क्वेश्चन याद आ रहा होगा, इक्वल टू क्या होता है, n h / लैम्डा h / लैम्डा। बिल्कुल, तो करना क्या है, यहां पे n निकालना है, तो n क्या होगा, e into lambda upon h / hc। वैल्यू पुट करें सर, e की है 3.1, एनर्जी लिख दो 3.1 × 10⁻¹⁸ जूल, लैम्डा दे रखा है 400, नैनोमीटर को 10⁻¹⁹ upon h, प्लैंक फोर्स 6.60 × 10⁻¹⁹ into c बोले तो 3 × 10⁻¹⁹। यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से फाइनली n निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ऑप्शन हो गया। क्लियर बेटा? तो ये था बच्चों आज के गुरुनीति का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट गुरुनीति के साथ, नई यूनिक श्रृंखला के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू बेटा, जय श्री हरि, जय श्री हरि।